हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 अगस्त से स्टार्ट होना था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जरूर लाऊंगी। ये वीडियो शॉर्ट तो नहीं होने वाले लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगी, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन क्या प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए एंड एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए, सारे ही कोर्सेज में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात करते हैं। यहाँ पे गाइस बीए में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले सकते हैं, बट जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो आपका 45% या 40% होता है। ऑनर्स कोर्सेज के लिए मिनिमम 45% का क्राइटेरिया है और नॉर्मल जो डिग्री कोर्स करना चाहते हैं लाइक बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए 40% का रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एलिजिबल है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी हाई जाता है, 95+ अगर परसेंटेज आपके हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से तो आप एडमिशन ले पाएंगे और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है मेरिट बेस्ड, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेजेस है उसके लिए जो हाई कट ऑफ जो जाता है वो 95+ ही जाता है। सो अगर आपके 95+ है देन आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आपके 95 से कम है या फिर 90 से कम है तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आपके 80 में है, 80 में अगर आपके परसेंटेज होते हैं देन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो पाए। सो आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको कोर्सेज बता देती हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसे बहुत केयरफुली देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और बीए ऑनर्स में आपका इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेजेस से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, जर्नलिज्म से कर सकते हैं, नॉर्मल आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके लिए मिनिमम 40% रिक्वायर्ड होता है, बीए वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीवॉक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं या फिर आप बीकॉम जनरल डिग्री कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th कॉमर्स से पास आउट किया है देन आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, बट आपका जो बीकॉम ऑनर्स होता है उसका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं, मैथमेटिकल साइंस से कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्पेशलाइजेशन गिवेन है, आप अपने 12th के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा या नहीं होगा तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को चेक कर सकते हैं, कॉलेज वाइज एंड रिजर्वेशन वाइज आप चेक कर पाएंगे या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन के बाद हम बात करते हैं कि एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन कैसे होगा और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो कोर्सेज है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और कोर्सेज के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, बाकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ओ जेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 3 कोर्सेज के लिए, बी ए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बी एम एस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बी बी ए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो अगर आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डी ओ जेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है और एडमिशन जो होता है उसमें आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है उसका 65% वेटेज होता है और क्लास 12th का जो मार्क्स है उसका 35% वेटेज होता है। अगर आप डी ओ जेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है तो अलग अलग कॉलेजेस में ये कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में 2 कोर्सेज है, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, दूसरा है बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। एजुकेशन में बीएलएड है, बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इन जर्नलिज्म जिसमें आपका बीजेएमसी एंड एमजीएमसी कोर्स है। उसके बाद है बीपीटी, बीओटी एंड पीपीओ, और म्यूजिक में आपका बीए ऑनर्स है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंड उसके बाद बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका 50% वेटेज होता है और आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी का 50% वेटेज होता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन होता है।
डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। 12th का मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप डिजी लॉकर पर डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। एंड इसके अलावा आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आप व्हाइट शीट पेपर पर सिग्नेचर करके उसका स्कैन करके या फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। एंड आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी रिजर्वेशन आप ब्लॉक करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए। आई थिंक जनरल और ST SC के लिए आई थिंक नहीं रिक्वायर्ड है, तो वो आप देख लेना एक बार। और इसके अलावा आपके पास ID प्रूफ में आधार कार्ड या फिर लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास, या वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वाले उसका फोटोकॉपी ले लेना है, उसके बाद आपको उस पर सिग्नेचर करना है या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आपको स्कैन करके या फिर फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप UG एडमिशन के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि यही ईमेल आईडी आपका एडमिशन प्रोसेस के एंड तक काम आने वाला है। सो मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए। तो जैसे आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हैं, कैप्चा एंटर करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद कैप्चा यहाँ पे लिख के सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एकेडमिक में आपका जो भी 10th एंड 12th में मार्क्स है, मार्कशीट को देख के यहाँ पे एंटर करना होता है। इसी तरीके से एंट्रेंस, स्पोर्ट्स, ECA, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अपलोड्स करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है कि सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है, तो उसी तरीके से आपको अपलोड करना होगा। प्रीव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाए।